कांग्रेस पार्टी अरुणाचल के साथ दिल का रिश्ता चाहती है। हमें राजनीति है मगर हम आपसे दिल का रिश्ता चाहते हैं। हम आपके ऊपर, आपकी भाषा के ऊपर, आपकी हिस्ट्री, आपकी कल्चर के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे और कभी आक्रमण नहीं करना चाहते। और जो दिल का रिश्ता हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हम जानते हैं कि अरुणाचल को देश से जोड़ने की जरूरत है। मतलब अरुणाचल को ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स, अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, विधानसभा की बिल्डिंग देने की जरूरत है। तो हमारे पहले सोच थी कि हिंदुस्तान में कई ऐसे प्रदेश हैं जिनको स्पेशल मदद की जरूरत है और इसीलिए हमने नॉर्थ ईस्ट के सब स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पे आपको यूनिक तरीके के, अलग अलग तरीके की कठिनाइयां हैं जो नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में नहीं है। वो कठिनाइयां यहां आपको हैं, कनेक्टिविटी कम है, पहाड़ हैं, तो आपको स्पेशल स्टेटस की जरूरत है और हमने आपको वो दिया था। और सिर्फ स्पेशल स्टेटस नहीं दिया था, नॉर्थ ईस्ट को दिल में हमने स्पेशल जगह दी थी। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग पूरे हिंदुस्तान पे एक विचारधारा थोपना चाहते हैं। नागपुर की सोच है और वो इस सोच को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं और नॉर्थ ईस्ट का, खासतौर से अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, यूनिक कल्चर, स्पेशल कल्चर, उसको वो नष्ट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से करते हैं। आज आप हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज को देखेंगे, एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के सिस्टम को एक के बाद एक वाइस चांसलर्स आरएसएस की माइंडसेट के लोगों को बैठा रहे हैं। जहां भी आप देखेंगे मेरिट में ही काम करेगा। जो आदमी अपना सब्जेक्ट समझता है, सब्जेक्ट जानता है, युवाओं को सिखा सकता है, उसको वाइस चांसलर नहीं बनाएंगे। जो आरएसएस की बात करेगा, जो सुबह उठकर हाफ पैंट पहनकर लाठी लेकर शाखा में जाएगा, बिल्कुल जो क्लोज माइंडेड व्यक्ति है उसको वो वाइस चांसलर बनाएंगे। प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन हर स्टेट को मदद करने की कोशिश करता था, स्ट्रेटेजिकली काम करता था। अरुणाचल के यूनिक इश्यूज हैं, मेघालय की यूनिक इश्यूज हैं, मणिपुर की भी यूनिक इश्यूज हैं और स्ट्रेटेजिकली प्लान करके हर प्रदेश के लिए सोचता था। नरेंद्र मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया। आज तक किसी को नहीं मालूम नीति आयोग क्या कर रहा है, किसी को समझ नहीं आया।